हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम फिर से बात करेंगे बैटल ग्राउंड इंडिया के बारे में कि गेम फाइनली कब लॉन्च होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ। तो ऑफ कोर्स लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि गेम आखिरकार कब रिलीज होगा। दो डेट्स है जो हमारे पास फ्लैश होती है, पहली तो 11th और उसके बाद 12th में। इन दोनों में से किसी भी दिन रिलीज हो सकता है ऐसा सुनने में आया है। और अब जैसा कि हमें पता है कि गेम के सारे सर्वर्स इंडिया में ही लोकेट होंगे, तो जिसका मतलब है कि अब हाई पिंग की दिक्कत नहीं होगी लोगों को। जो पहले हमें हाई पिंग देखने को मिलती थी, गेम हमारा लैग करता था बीच बीच में, अब वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे सर्वर्स इंडिया में ही हैं। और जैसे कि हमें पता है कि जब PUBG बैन हुआ था इंडिया में, तब बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि उन लोगों ने खरीद रखे थे पासेस और यूसीज, उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था गेम में। जैसे भी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे लोग PUBG खेलते थे और बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, बहुत लोगों ने उसके पासेस खरीदे थे और यूसीज खरीदे थे, जिसकी वजह से लोगों ये टेंशन में थे कि जब गेम वापस आता है तो क्या उनका डाटा रिक्रूट होगा, क्या उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे। इस पे भी अब फाइनली कंफर्मेशन आ चुका है कि जो डाटा है वो सारा डाटा बैकअप होगा, वो सारा डाटा ट्रांसफ़र होगा वापस से इंडिया में। और आपको जस्ट अपनी पुरानी आईडी लॉगिन करनी होगी गेम में, तो आपका सारा डाटा वापस आ जाएगा, आपके सारे यूसीज, आपकी सारी चीज़ें जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा पहले। अब जैसे कि सारे सर्वर्स इंडिया में लोकेटेड हैं, तो कोई डाटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा और कोई प्राइवेसी इशूज़ भी नहीं होंगे। तो यही थे सारे डाउट बैटल ग्राउंड मोबाइल से रिलेटेड, जो कि होप क्लियर हो गए होंगे अब। तो देखते हैं कि फाइनली गेम कब आता है, और जैसे गेम आएगा हम साइड बाई साइड हर चीज़ कंपेयर करेंगे पुराने वर्जन के साथ। तो भाई यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।